लोकसभा चुनाव में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट ने भी टिहरी में मोदी सरकार पर निशाना लगाया। सचिन ने कहा कि जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी की हार हुई है, वैसे ही पूरे भारतवर्ष में बीजेपी की हार होगी, क्योंकि देश बदलाव चाहता है। आइए आपको सुनाते हैं किस किस तरह सचिन पायलट ने मोदी पर बरसा। देखो होने चाहिए जो आम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। मैं समझता हूँ जहाँ तक आतंकवाद है या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे सैनिक बल, हमारे सैनिक, हमारी फौज हमारी मान शान और सम्मान का प्रतीक है। हम सब हमारे देश की अमानत है, लेकिन अपने सैनिकों की वीरता की आड़ में अपनी नाकामियों को छुपाने का कोई काम करेगा तो जनता सब बात को देख रही है, समझ रही है। उत्तराखंड में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। प्रीतम सिंह जी संसद में जाएंगे जनता के आशीर्वाद से, और पूरे देश भर में आज बदलाव का माहौल है, सब लोग परिवर्तन चाहते हैं। 23 मई को कांग्रेस और हमारे गठबंधन की सरकार बननी तय है। इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, फिर भी जानबूझ के मुद्दों को भटकाने के लिए गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का बिक रहा है, पेट्रोल 70 रुपये 80 रुपये लीटर हो गया है, महंगाई बढ़ रही है, नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था चौपट हो गई इकोनॉमी हमारी, उस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। आरोप लगा लगा कर सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, अंदर अंदर जानते हैं जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हमने बीजेपी को हराया है, ऐसे समूचे भारतवर्ष में वो बीजेपी हारेगी और उनका विपक्ष बैठना तय है। SPN9 न्यूज़ से आंचल की रिपोर्ट।